तन तन बन बुमती हवा बुमती हवा। बूंदे भी तो आए नहीं बाज स्वागत है ना पंजाबी सिलाई कढ़ाई चैनल से। अज तुहानू असीं दस्सांगे घग्गरा बनाउण दा बहुत ही आसान तरीका, जिस तरह कि आपां ने घग्गरा तैयार करिया बहुत ही घट्ट खर्चे ते तैयार करिया। देखो लटकन भी आपां ने तैयार करे ने इस तरह के, ये सारी जानकारी देवांगे बहुत ही घट्ट खर्चे ते तुसीं भी तैयार कर सकदे होंगे। तुसीं वीडियो शुरू तो लैके अंत तक ध्यान नाल देखना जी। इस घग्गरे उपर आपने कोई भी लैस का इस्तेमाल नहीं करिया, कोई भी लटकन का इस्तेमाल नहीं करिया, सिर्फ अपने लटकन बनवाए ने अपने आप। ये सारी जानकारी देवांगे, तुहानू कटिंग भी दस्सांगे, सिलाई भी दस्सांगे, सिलाई करन दा तरीका तुसीं भी इस तरह घर तैयार कर सकदे हो, जिस तरह कि आपां जागो ते इस तरह के घग्गरे तैयार करके पाउने आंगे, तुसीं घर बैठे तैयार कर सकदे हो। सारी जानकारी देवांगे, तुसीं वीडियो शुरू तो लैके अंत तक ध्यान नाल देखना जी। वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करना जी, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि जी अपना नवीं वीडियो लैके उन्हें सिलाई दी तुहानू जानकारी मिल सके। इस कपड़े विच आपां घग्गरा तैयार करांगे बहुत ही सौखे ते आसान तरीके नाल, तुहानू दस्सांगे सिलाई भी दस्सांगे कटिंग भी दस्सांगे। इस दे लई आपां ने फैबरिक लैता 2.5 मीटर फैबरिक अपने कोल, कॉटन दी इहदी लाइनिंग हो गई है, लाइनिंग अपने कोल लाइनिंग लावांगे। पहला तुहानू असीं जिहड़ी अपनी लेंथ हैगी है 37 इंच, जिहड़ा भी अपना घग्गरा जदों भी आपां तैयार करदे आ हमेशा अड्ड ही बनता हुंदा, जिस तरह कि हेठां इहदे बार्डर दित्ता होया। देखो अपने कोल 2.5 मीटर कपड़ा, ये बॉर्डर दित्ता होया, बॉर्डर आपां इसे तरह ही रखांगे क्योंकि जिहड़ा बॉर्डर बनया होया गा इस नाल बहुत ही ज़्यादा घग्गरे की अपने लिए ग्रेस बनती है, यानी कि शाइनिंग आउंदी है, इस करके इसनूं आपां इसे तरह ही ओपन रखांगे। उस तो बाद जिहड़ी अपनी लंबाई हैगी, लंबाई अपने रखनी है 37 इंच, इसनों अपने 37 इंच ही लेना। इधर अपने हेठा इस तरह फोल्ड रखांगे, ता करके आप नीचे तो लंबाई रख रहे हैं। जेकर तुहाडे कोल दूसरा कपड़ा हो तो अपना ज़्यादा है तो तुसीं नीचे तो फोल्ड कर सकते हो। इसनों आप नीचे तो ही इसकी लेंथ जिहड़ी आप रखांगे, लेंथ अपने कोल हैगी आ इस जगह ते अपने कोल 37 इंच लेंथ आ, 37 रखांगे। इसकी जिहड़ा 1 इंच आगा देखो उस सिलाई दे विच आऊगा, 1/2 इंच उपर, 1/2 इंच जिहड़ा आपां नेफा लावांगे उस विच, नेफा आपां लावांगे 1 इंच दा नाले दे लई, उसनूं आपां लावांगे अलग कपड़े विचों। जिहड़ी आपां लाइनिंग लाउणी उस कपड़े विच आपां नेफा तैयार करांगे। इहदे जिहड़ी कटिंग करनी हुंदी है बहुत ही आसान हुंदी है। देखो अपने कोल 2.5 मीटर कपड़ा, इसकी आपां नूं कटिंग करन दी घग्गरे दी कोई भी जरूरत नहीं हैगी क्योंकि आपां ने इक सिलाई लाउणी आ, इक सिलाई नाल आपां तैयार करांगे। इस जगह पर अपने पाने ने बल, ये तुहानूं असीं सिलाई वेले दसांगे। उस तो बाद जिहड़ी अपने कोल लाइनिंग आ इसकी आपने कटिंग करनी है, सिर्फ अपने जिहड़ी लाइनिंग लाउणी इसकी कटिंग करनी है। लाइनिंग अपने कोल कॉटन च हैगी, जाम कॉटन च कपड़ा अपने कोल लाइनिंग वाला, इस नाल थोड़ा जिहड़ा कि अपना घग्गरा हैवी बन के तैयार हो जूगा। पहला आपां इस हिसाब नाल इसकी आपां 2.5 मीटर लाइनिंग की कटिंग कर लाँगे। जो लाइनिंग वाला कपड़ा अपने को ज़्यादा इस तरह आप 2.5 मीटर कपड़े की कटिंग करांगे। उस तो बाद इसकी आपने रखनी है लेंथ, लंबाई अपने रखनी है 37 इंच, जिहड़ी लाइनिंग अपन घट रखांगे यानी कि 34 इंच आप लाइनिंग की कटिंग करांगे। हेठा तो आप कन्नी भी रखांगे, इसमें भी आप अड्डे तैयार करांगे जिहड़ी हेठा लाइनिंग लाउणी है, क्योंकि जिहड़ी लाइनिंग अपने लाउणी ने घग्गरे हेठा हमेशा 3 या 4 इंच उच्ची हुंदी हैगी, यानी कि उपर नूं हुंदी है, इस करके इहदी आप कटिंग जिहड़ी करांगे 34 इंच की।
इस हिसाब न आप कपड़ा अलग कर देंगे। इस कपड़े आप बेल्ट के लिए इस्तेमाल करा जो कि आपने घगरे उपर बेल्ट लाना उस इस्तेमाल करा। इस कपड़े में ही आप घगरे का नाला तैयार करा क्योंकि ये जो अपने को कपड़ा कॉटन च जाम कॉटन च कपड़ा अपने को जिसकी अपने लाइनिंग लानी है। असं तुम एक बार दोबारा फिर समझाने ये देखो इस तरह अपनी यह लाइनिंग ला के तैयार होगी। यानी कि जी अपने लेंथ रखनी हैगी नीचे तो रखा लेंथ ये 3 या 4 इंच आप इसमें उपर रखा ये होगी अपनी उपरली साइड होगी। उपर जरा प्लेन कपड़ा यदि आप कटिंग कर देंगे इसकी कटिंग कर देंगे अलग सिर्फ अपने 1/2 इंच का दबा इस दे विच रखना 1/2 इंच का दबा रखा सिर्फ इस टाइप की कटिंग अपने अलग कटिंग करके अलग करता। इसी हम आप सिलाई शुरू करा। सिलाई शुरू करने के लिए पहले इसमें आप जी लाइनिंग नाल अटैच कर देंगे। ये देखो नीचे तो अपने उपर नू रखी हैगी इस लाइनिंग यानी कि उच्ची रखी है इस जगह तो अपना नीचे तो फोल्ड करांगे इसनों। इस तरह आप सारी लाइनिंग इस तरह अटैच कर लांगे। हम आप इसकी सिलाई शुरू कर दें। सिलाई करनी शुरू कर दें सिलाई करने लिए पहले जी अपने लाइनिंग इस अटैच करा उपरली साइड यानी कि अपने को नेफे वाली साइड आ इस साइड इस आप एक सिलाई नाल अटैच करा। इस जी मशीन का अपना बखाउन का उसनों ज़्यादा कर सकते हो यानी कि बड़ी सिलाई यह कर सकते क्योंकि अपनी एक कच्ची सिलाई होंगी है। इस तरह अपनी कच्ची सिलाई ला के तैयार है। इस तो बाद आप लावे साइड वाली सिलाई यानी कि इस जी साइड वाली सिलाई है लावे उपर इस आप बनावे चिड़ी चिड़ी बना के तैयार करा उपर इस आप जी अपनी सिलाई शुरू करनी है भी नेफे वाली जगह तो शुरू करनी है। इसके लिए जी अपनी सीधी साइड अंदर चली जाऊगी जी अपनी पुठी साइड आ इस आप उपर करा। जी अपने जगह रखनी है 2.5 इंच अपने यह रखा हुआ चाक तुम कि भी रख सकते हो अपने हिसाब न अपने यह 2.5 इंच चाक रखा। साइड वाली सिलाई अपने ला के तैयार कर लिया इस नाल जड़ा अपना थैला बन के तैयार। इस तरह यह अपने घगरे थैला बन के तैयार आ।
उस तो बाद जी अपने बैल्ट तैयार करनी है। जी अपने बैल्ट तैयार करनी है ये हों अलग तरीका घग्गरे की, जी कि अपनी सलवारों की बैल्ट होंगी है उसनों आप अलग तरीके तैयार करते हैं। जी आप बैल्ट होंगी है घग्गरे की इसनों आप अलग तरीके तैयार करा, यानी कि यदि अपने जी लेंथ लेनी है सारी इस तरह लेंथ लवेंगे, घेरा तो अपने हिसाब न जोड़ा इस बैल्ट हों घगरे का वह हों सलवार बैल्ट के हिसाब न, जिन्ना कि आप सलवार का बैल्ट रखते उस नो तुम 1 इंच ज़्यादा रख सकते होंगे। इसका आप बैल्ट रखा 26 इंच तैयार, 26 इंच तैयार रखा इसका आप बैल्ट। ये देखो इस जगह पर अपना 26 हो गया, ये आप 26.5 लवेंगे क्योंकि यदि सिलाई एक जगह आऊगी। जो अपना सलवार का बैल्ट होंगे इस तरह डबल होंगे, इसनों आप अगे भी लेके जावे, यानी कि 26 दूना 26 इंच का तैयार अपनी बैल्ट, अद्धा इंच ज़्यादा लिया था यानी कि 26.5 का अपना दुगना हो गया 53 इंच, 53 इंच अपने ये कपड़ा लेना बैल्ट दे ली। इस जगह पर अपना हो गया 53 इंच। इस तरह अपने ये बैल्ट लेना होंगे, यानी कि इस तरह ही फोल्ड होंगे होंगे। इस आप जी चढ़ाई है उसनों घट करा, यानी कि अपने ये 1 इंच तैयार रखना, 1 या 1.5 इंच इस इसनों 2 या 2.5 इंच कपड़ा लवेंगे। साढ़े 3 इंच कपड़ा लवेंगे इस क्योंकि दूसरी साइड इसके कन्नी है, ये 3.5 इंच कपड़ा लवेंगे। उस तो बाद इस तरह इसका जोड़ा नेफा बन के अपने को तैयार हो जाओ। उस तो बाद इसनों आप इस तरह फोल्ड करना। जी अपनी कच्ची साइड आ इस साइड आपने बल पाने ने, जी कन्नी है तुम सीधी साइड भी ले जा सकते हो, पुठी साइड भी, यानी कि इसनों आप लेके जावे सीधी साइड। जेडे अपने बल पाने शुरू करने ने इस तरह बल पाने शुरू करा, आप बल पाने तो पहला अपन जो नेफा छड़ा उसनों फोल्ड कर देंगे, यानी कि जिस तरह की अपनी सलवार का बैल्ट का नेफा हों उस तरह इसमें आप फोल्ड करके आप चिड़ी तैयार करा। इस तरह जी अपनी बैल्ट आ इसनों भी आप दोनों साइडों तो फोल्ड कर देंगे, जी अपनी ये कच्ची है इसनों आप दोनों साइडों तो इस तरह फोल्ड कर देंगे। इस तो बाद आप हम बल पाने शुरू करा। ये हो गई अपनी नेफे की सीधी साइड, सीधी साइड हो गई। जी अपने घग्गरी अपने धरनी आगी ये भी आप इस तरह सीधी साइड ही धरा, ताकि जो अपना यह फोल्ड होके इस तरह जी अपनी सिलाई गुम हो जूगी, नेफा अपना उपरली साइड इस तरह इसमें आप धरा। जी अपनी नेफे की हो गई सीधी साइड हो गई, जेडे अपने घग्गरे की पुठी साइड आ सीधी साइड इसके उपर आ, इस तरह अपने इसके बल पाने ने।
जेकर तुहाडे कोल बल पहली बार च नहीं सैट आउंदे तां तुसीं इस नूं दुबारा भी पा सकदे होंगे। आपां कोशिश करांगे भी अपने बल पहली बार च सैट आ जाण। इसदा जिहड़ा घग्गरे दा घेरा घट आ, यानी कि आपां ने 2.5 मीटर कपड़े चों तैयार करिआ, इस करके इसदे बल जिहड़े आपां पावांगे थोड़े जिहे दूर दूर। इस तरह इसदे आपां बल थोड़े जिहे दूर पावांगे। ये अपने कोले फैब्रिक हैगी, यानी कि जिस तरह की कोई फुलमा कपड़ा होंदा इस तरह की है। जो अपना घग्गरा बन के तैयार होगा इस तरह ही लगू, जिस तरह कि आपने 6-7 मीटर विचों यह अपने घग्गरा तैयार करें। इस तरह सारे बल पा के आप तैयार कर लेंगे इसनों। उस तो बाद तुहानू दिखाउने अगे अपने बल पा के तैयार कर लिया ने। आप जी सीधी साइड आ उपर ले आवेंगे। देखो ये हो गई अपनी चिड़ी। इस तरह ये अपने बल पा के तैयार कर लिया। उस तो बाद आप एक बार दोबारा फिर सिलाई लावेंगे। जी अपने सिलाई लानी है इस तरह लावेंगे, नाल तो अपनी जी सिलाई है कच्ची सिलाई है गुम हो जाए। इस तरीके इसने अपने सिलाई लानी है। ये होगी अपनी कन्नी। कन्नी जेकर तुहाडे कोल कन्नी कन्नी वाला कपड़ा नहीं है तो तुसीं पहला इसनों इस तरह फोल्ड कर सकते हो कच्ची सिलाई ला के। उस तो बाद इसनों तुसीं इस तरह बना सकते होगे। ये अपने नेफा बना के तैयार कर लिया। देखो तुम बहुत ही वधिया तरीके नाल अपना है, बहुत ही आसान तो सौखे तरीके नाल, बहुत ही सस्ता ये अपना घग्गरा तैयार आ। इस नाल तुसीं प्लेन कलर का, यानी कि प्लेन कलर का कुर्ता तैयार कर सकते होंगे, रेड भी कर सकते हो, वाइट भी। इस विच अपने जिहड़ा नाला पाउणा गा वह आप पावांगे इस तरह का। इस तरह का नाला पा के जिहड़ा अपना घग्गरे का कपड़ा आप उपरों कटिंग करिया सी इसका आप डिजाइन बनावेंगे। इसका डिजाइन बनावेंगे, जो डिजाइन बन के तैयार होगा तो दोबारा फिर दिखाने से किस तरह का अपना है घग्गरा बन के तैयार आ। ये देखो तुसी इस तरह यह अपना बहुत ही वधिया सौखे तरीके नाल, आसान तरीके नाल तुसी भी इस तरह तैयार कर सकते हो। ये होगी अपनी लाइनिंग। कोई भी लैस लाने की जरूरत नहीं हैगी, कोई भी ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं हैगी। तुहानू ये अपने नाला ते लटकन बना के तैयार कर लेने। इस तरह देखो तुसी बिल्कुल सेम नाल दे घग्गरे दे इस तरह अपने लटकन बन के तैयार ने। यह हो गया अपना घग्गरा। इस तरह अपने बहुत ही सौखे तरीके नाल इसनों तैयार करेगा, तुसीं भी इस तरह तैयार कर सकते होंगे। बहुत ही सौखे ते आसान तरीके नाल ये फैंसी अपने घग्गरा तैयार करे। कमेंट करके जरूर दसने तुहानू ये वीडियो अपनी घग्गरे की किस तरह लगी। धन्यवाद जी।